another pair of the respiratory organ. तो basically two pairs of lungs separated किससे होंगे, mediastinum से, कहाँ पे होंगे, thoracic cavity में होंगे, उसका location कहाँ पे, thoracic cavity में. अगर इसके हम weight की बात करें तो adult में obviously हम compare करें right lung और left lung को, तो right lung का वेट ज़्यादा होगा 700 ग्राम और लेफ्ट लंग का 650 ग्राम होगा. अगर हम इसकी कलर की बात करें तो न्यूबॉर्न बेबी में कैसा होगा, रोजी पिंक, क्योंकि इसके में कार्बन होगा ही नहीं क्योंकि वो न्यूबॉर्न बेबी है. और एडल्ट में क्या होगा, डार्क ब्राउन और ब्लैकिश कलर में रहेगा क्योंकि डिपोजिशन ऑफ द कार्बन. अगर हम इसकी हार्डनेस की बात करें तो ये फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि न्यूबॉर्न बेबी का मतलब फीटल का, सॉरी न्यूबॉर्न बेबी का नहीं, फीटल का जो लंग्स है वो हार्ड रहेगा, वो फ्लोट पानी पे नहीं करेगा क्योंकि उसमें एयर फिल नहीं होगी अल्वियोल में. अगर हम अडल्ट के बारे में बात करेंगे तो हम सांस लेते हैं, इसकी वजह से तो बेसिकली हवा तो होगी तो वो फ्लोट करेगा पानी पे. ये पॉइंट्स फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. अब हम देखेंगे साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन. अगर आपके एग्जामिनर ने बोल दिया कि डिटरमाइन करो कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट लंग है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स थे. तो अब हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स. तो ये फेसिंग अपवर्ड है, ये उसको बोलेंगे अपेक्स. इट इज ब्लंट, कवर्ड बाय सर्वाइकल ड्यूरा और क्रॉसिंग करेगा एंड ऑफ द फर्स्ट रिब, क्योंकि ये कवर्ड होता है रिब से तो क्रॉसिंग क्या करेगा एंड ऑफ द फर्स्ट रिब. ये हो गए अपेक्स के बारे में. अब हम बात करेंगे बेस की. तो बेस रिस्क किस पे रेस्ट करेगा, डायफ्राम पे, तो इसको हम डायफ्रेगमेटिक सर्फेस भी बोल सकते हैं. तो ये राइट लंग का बेस क्या करेगा, राइट लीवर को सेपरेट करेगा और ये लेफ्ट लंग का बेस है वो लेफ्ट लीवर को और स्टमक और स्प्लीन को सेपरेट करेगा. तो ये हो गए अपेक्स और बेस. अब हम बात करेंगे बॉर्डर्स और सरफेस की. ये अपेक्स और बेस से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कितनी बॉर्डर्स होंगी, टी बॉर्डर्स देखेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर, सेकेंड वन पोस्टीरियर, थर्ड वन इंफीरियर. तो एंटीरियर बॉर्डर की बात करें हम राइट लंग में, तो ये कैसे फ्लैट और वर्टिकल होगी. अगर हम बात करें लेफ्ट लंग की एंटीरियर बॉर्डर की, तो यहाँ पे जो इंटरप्ट करेगा वो क्या है, कॉर्डियक नॉच, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है. हार्ट का कॉर्डियक नॉच मतलब इम्प्रेशन कहाँ पे होगा, लेफ्ट लंग में होगा ना कि राइट लंग में. और जस्ट इसके नीचे टंग लाइक प्रोजेक्शन होगा, उसको बोलेंगे लिंगुला. ये तो हो गई एंटीरियर बॉर्डर की बात. हम करेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर की. ये कौन सी है, पोस्टीरियर. पोस्टीरियर कैसे होगी, इलॉन्गेटेड राउंडेड एंड इनडिफाइंड. अगर हम कंपेयर करें एंटीरियर बॉर्डर मतलब ये यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर अगर हम कंपेयर करें पोस्टीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर को, तो इनके मतलब कंपैरिजन टू पोस्टीरियर बॉर्डर लॉन्ग होगी एंटीरियर बॉर्डर से. और ये पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, तो ये रिलेटेड किससे करेगी, वर्टिब्रा से, C7 to T10. ये हो गई पोस्टीरियर बॉर्डर. अब हम देखेंगे इंफीरियर बॉर्डर. इंफीरियर बॉर्डर नीचे है तो वो क्या करेगी, बेस को और कॉस्टल सरफेस को सेपरेट रखेगी. ये हो गई इंफीरियर बॉर्डर. तो हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि एंटीरियर बॉर्डर देखे कि कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट लंग है. ये हो गया. अब हम देखेंगे सरफेस. सरफेस कितने, टू सरफेस है. फर्स्ट कॉस्टल और सेकेंड कौन सा होगा, मीडियल. तो कॉस्टल सरफेस फेसिंग आउटवर्ड होगा, रिलेटेड होगा रिब्स और इंटरकॉस्टल स्पेसेस से. लंग्स किससे प्रोटेक्ट होता है, रिब कैसे होता है, तो रिलेट किससे करेगा, कॉस्टल सरफेस रिब्स और इंटरकॉस्टल स्पेसेस से. और यहाँ पे जो लाइंस होती है, तीन लाइंस होती है, मिड क्लेविकुलर, मिड एक्सिलरी और स्कैपुलर लाइन.
तो यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी, मिड क्लैविकुलर लाइन, और रिलेट किससे करेगी, 1 to 6 रिब्स से। सेकेंड वन कौन सी होगी, बीच वाली मिड एक्सिलरी लाइन, किससे रिलेट करेगी, 1 to 8 रिब्स से। और थर्ड वन होगी स्कैपुलर लाइन, किससे रिलेट करेगी, 1 to 10 रिब्स से। ये हो गई कॉस्टल सर्फेस की बात। हम मीडियल सर्फेस करेंगे। मीडियल सर्फेस पोस्टीरियर साइड ही होता है, तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर मीडियास्टिनल पार्ट रिलेट किससे होगा, मीडियास्टिनम विद अटैच हेलियम। और सेकेंड वन होगा पोस्टीरियर वर्टिब्रल पार्ट, ऑब्वियसली वो पोस्टीरियर पार्ट पोस्टीरियर में प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर में क्या होती है, वर्टिब्रा प्रेजेंट है। तो उससे रिलेशन क्या होंगे, वर्टिब्रा इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इंटरकोस्टल वेसल से। और मीडियास्टिनल के जो इम्प्रेशंस होंगे पोस्टीरियर साइड में लंग के, वो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे लोब्स और फिशर के। जैसे आपको पता ही होगा कि राइट लंग में और लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं, तो राइट लंग में होंगे 3 लोब और यहाँ पे होंगे लेफ्ट लंग में होंगे 2 लोब्स। तो लोब्स कैसे डिवाइड होते हैं, तो फिशर से। फिशर क्या होता है, तो एंटीरियर बॉर्डर में फिशर का क्या काम क्या होगा, ये डिवाइड करेगा लोब को, अपर लोब, लोअर लोब, मिडल लोब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगेंगे ऑब्लिक फिशर। तो ऑब्लिक फिशर कहाँ से स्टार्ट होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर टू इंफीरियर बॉर्डर, ये हो गया ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर क्या करेगा, ये कौन सा हो गया लोब, अपर लोब और नीचे वाला लोअर लोब, ये कौन सा है, अपर लोब और ये कौन सा हो गया, लोअर लोब। और किससे डिवाइड होंगे अपर लोब और लोअर लोब, ऑब्लिक फिशर से। ऑब्लिक फिशर से होंगे। अब हमें जैसे पता है कि राइट लंग में 3 होंगे लोब, तो ये हो गए अपर लोब और लोअर लोब, हुई तो 2 हो गए, तो तीसरा किससे डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टल लोब से। तो हॉरिजॉन्टल लोब कहाँ से कहा होता है, मिड एक्सिलरी लाइन, मतलब ऑब्लिक फिशर की मिड एक्सिलरी लाइन टू एंटीरियर बॉर्डर, ये कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर क्या करेगा, एक सेपरेट मीडियल लोब बनाता है, ये मीडियल लोब बनाएगा, ये कौन सा फिशर होगा, हॉरिजॉन्टल फिशर। ये तो होगी राइट लंग की बात। अगर हम लेफ्ट लंग की बात करेंगे तो इसमें बस एक ही फिशर होता है, जो कि मतलब इसमें 2 ही लोब होंगे, अपर और लोअर, तो इसमें एक ही फिशर होगा, कहाँ से कहाँ, पोस्टीरियर टू इंफीरियर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट लंग की। तो ये कौन सा लोब हो गया, अपर और लोअर। तब हमने क्या क्या देखिया, अपेक्स, बेस, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, और 2 सर्फेसेस देखे, कोस्टल सर्फेस, मिडल सर्फेस। मिडल सर्फेस जो मीडियास्टिनल पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कौन से इंप्रेशन है, तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा लेफ्ट लंग है और कौन सा राइट लंग है। थैंक यू।